हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला एज 40 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है पावर बटन एंड कॉल सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये पावर बटन एंड कॉल सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ये पावर बटन एंड कॉल का। पावर बटन एंड कॉल इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये पावर बटन एंड कॉल सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन पर कभी भी इनकमिंग कॉल आएगा ना, इनकमिंग कॉल आएगा तो आपको जो रेड कलर का बटन दिखाई देता है उसे आपको नहीं दबाना कॉल को कट करने के लिए। वो रेड कलर का बटन आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दबाना है। ठीक है, आपको करना क्या है कि ये जो आपका मोबाइल फोन का जो पावर बटन है इसे आप एक बार दबाएंगे ना तो आपका जो कॉल है ना वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपके फोन में। अब मैं आपको जो है ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से। ठीक है, सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है पावर बटन एंड कॉल। ठीक है, इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा पावर बटन एंड कॉल का। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।